फरमी है रिश्तों के भंवर में है जीवन ये सफर में है रिश्तों के भंवर में है सांस भी है डूबी सी फिर आएगी कोई नई कहानी गढ़ेगी और तुम मोम हो जाओगी। अरे ऐसा नहीं होगा ज़किया बीबी। सुंदस की बिस्मिल्लाह पर ज़फर अली का अब तक ना आना तब मेहमानों को महसूस हो रहा है, क्या हम बजा जा सकते? आपको बुरा लगा होगा कि मैंने आपको बताया नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे मैंने तो पासा ही ऐसा फेंका था ज़किया बेगम कि छक्का तो आना ही था। अब भाई आप भी अपनी जिद छोड़ दें। ज़फ़र अली भूल गए, अभी हमारी दूसरी शर्त बाकी है। अरे वो भी पूरी हो जाएगी, आप फिक्र क्यों करती हैं? बस अब आप हमारी बात मान लेना। हाँ नहीं सरकार, शर्त का मतलब क्या होता है? इंसान पहले इम्तिहान में पूरा उतरे। अरे मलाइका कहाँ चली? मामा बताया तो था फ्रेंड की बर्थडे है, वहीं जा रही हूँ। भूल गई थी, याद आ गया। सुनो जल्दी आना। कोशिश करूंगी। ज़किया बेगम, फिर क्या सोचा ज़किया बेगम? अरे ज़फ़र अली सोचना क्या है, तुम अपना काम करो, हम अपना वादा पूरा करेंगे। ज़फ़र ये देखें कितने अच्छे सूट है ना बाबा ने आपके लिए भिजवाए हैं। हटा इसे, कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे तुम्हारे बाबा जानी के ये दो टके के जोड़ों में। लेकिन ज़फ़र अली ले लो। ये क्या है? अपना सामान समेटो यहां से और दफा हो जाओ। लेकिन ज़फ़र अली मैं कोई बकवास नहीं सुनना चाहता, तुम्हारा हिसाब किताब सब इसी लिफाफे में है। ये क्या है ज़फ़र अली? तलाक। मैंने तुम्हें तलाक तलाक दी, तलाक दी। नहीं ज़फ़र अली नहीं, आप मेरे साथ ये नहीं कर सकते। अब और क्या चाहिए आपको? मुझे जो कुछ चाहिए था मुझे मिल गया। तुम दफा हो जाओ यहां से। देखे देखे मुझ पे नहीं तो मासूम बच्ची पे रहम करिए। अल्लाह के वास्ते आप मुझे बर्बाद ना करें, मैं कहां जाऊंगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। बस मत करो, दफा हो जाओ यहां से। खुदा के लिए ऐसा मत करें, ऐसा ना करें। मत करो क्या मतलब? मैं ये कर चुका हूं, तीन दफा तुम्हें तलाक दे चुका हूं, दोबारा दूं क्या? ज़फ़र अली मैं बर्बाद हो जाऊंगी। जीवन ये सफर में रिश्तों के भंवर में क्या कर रही है मेरी लाडली? ये चीजें देख देख कर बेजार ही हो रही हूँ, और क्या करूंगी। अरे क्यों भाई, तुम तो दीवानी हो इन सब चीजों की, फिर बेजार क्यों हो रही हो? मामा दीवानी हूँ लेकिन पुरानी चीजों की नहीं। आज बढ़ते हुए मुझे ये पुरानी चूड़ियां ही पहननी पड़ी।
अच्छा तो कोई बात नहीं, हम अपनी लाडली को बहुत सारी चूड़ियां दिला देंगे। सच्ची? कब? बहुत जल्द। बस तुम एक काम करो, अपने कमरे में रहना, बिल्कुल बाहर नहीं आना, ठीक है? ठीक। इस घर के मुलाजमों को काम का कहो और भूल जाओ। कहा भी था कि जाते हुए सामान लेती जाइएगा, मगर आप भी। हमें क्या मालूम था इनाम शिराजी कि शानू भी इतना देर लगा देंगी, ना जाने कब घर से निकलेंगे। आपको इस घर से कौन निकाल रहा है सत्वजहां? ऐसा भी कोई सूरमा पैदा नहीं हुआ कि हमें हमारे घर से निकाले। बाबा जान, आप क्यों हमारी अम्मी जान को तंग करते रहते हैं? इतनी अच्छी तो है हमारी अम्मी जान। अम्मी जान, बाबा जान मजाक करते हैं आपसे, आप क्यों सीरियस हो जाती हैं? हम भी मजाक ही करते हैं। लीजिए जी, सारा सामान तैयार है। कहाँ जाने की तैयारी है? आलिया के घर जा रहे हैं। खैरियत? आलिया की तरफ अचानक से? अरे बेटी ब्याही है, बेची नहीं है, जो खैर खबर लेने नहीं जा सकते। चलो भाई चलो, देर हो गई बड़ी। चल। जाइए। आलिया, आप अचानक, हम तो आपकी तरफ ही जा रहे थे। जफर मियां नहीं आए? सब खैरियत है ना? बताओ बेटा क्या बात है? आलिया प्लीज बताए ना क्या बात है। सब कुछ खत्म हो गया अम्मी जान, तो पर अली ने हमें तलाक दे दी। खत्म हो गया मेरी बच्ची। आंसू ही पिए हैं बस, और जख्म ही खाए हैं हमने यूं जिंदगी। तलाक देकर आ रहा हूं उसे। सच कह रहे हो? तुम्हारी दूसरी शर्त भी पूरी कर दी है मैंने ज़किया बेगम। जीवन ये सफर में है। जीवन ये सफर में है। अहमद चाचा, इतनी हिम्मत उस शख्स की, इतनी दीदा दिलेरी, बेखैरत इंसान। ऐसन बेटा, खुद को संभालो मियां। संभालू कैसे है मैं चाचा? मैं खुद को कैसे संभालू? मेरा दिल कर रहा है कि मैं उस शख्स का खून पी जाऊं जिसने मेरी बहन के साथ। किस्मत के लिखे को कोई नहीं बदल सकता बेटा। किस्मत का लिखा नहीं होता ये सब, ये इंसान खुद करता है। इंसान इंसान को तबाह बर्बाद करता है। अल्लाह ताला ने तो घर आबाद करने का और रिश्ते जोड़ने का हुक्म दिया इंसान को। किस इंसान की बात कर रहे हो ऐसा, जो नऊज़ुबिल्लाह खुद खुदावन बैठा है, जो खुद गर्व है, बेरहम है, बेहसास है। तो ऐसे शख्स को सजा जरूर मिलनी चाहिए बाबा जान। नहीं बेटा नहीं, सजा देना हमारे अख्तियार में तो नहीं है। क्या करेंगे? केस करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, अपनी बहन को उसका हक दिलाएंगे। तो गोया अब हमारे खानदान की इज्जत कोर्ट कचहरियों तक जाएगी। बेवकूफी की बातें मत करो, जो होना था हो चुका, कोई फायदा नहीं है, अब वो बदला नहीं जा सकता। लेकिन जफर अली को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, उसकी जिंदगी हराम कर देंगे। बेटा अपने हवास को काबू में रखो मियां। कैसे है मैं चाचा, कैसे काबू में रखूं? मैं अपने होशोहवास में नहीं, नहीं मैं अपने होशोहवास में। ऐसन, ऐसन मियां,
कहीं सब तदबीरें उल्टी तो नहीं हो गईं? खामोश क्यों हो जफर अली, कुछ तो बोलो, अब कोई बुरी खबर मत सुनाना। अभी तलाक देकर आ रहा हूं उसे। सच कह रहे हो? तुम्हारी दूसरी शर्त भी पूरी कर दी है मैंने ज़किया बेगम। जबरदस्त, फिर परेशान क्यों हो? बस वो कोई ख्याल आ गया था। अरे अब तो हर ख्वाहिश पूरी होगी, हर ख्वाब पूरा होगा तुम्हारा जफर अली। शादियां ने बजाओ, तैयारियां करो। वाकई खुशियाँ ही बड़े दिन बाद, मेरे संग झूम उठो बाहर आई खिजा के बाद, मेरे संग झूम उठो, खुशी आई। हमारा दिल फटा जा रहा है, सारी जिंदगी नामुराद रही है कमबख्त जफर अली, बेड़ा गर्क हो इसका। अरे कैसा रंग दिखाया उसने जायदाद अपने नाम होते ही, क्या फायदा हुआ, सब कुछ हाथ से चला गया। और शानो भी, ये वक्त इन बातों का नहीं है। कितना मना किया था, कितनी मुखालफत की थी हमने जब ये रिश्ता हो रहा था, किसी ने एक नहीं सुनी। आखिर गलती निकला ना, मेरी बच्ची को दर बदर कर दिया। अल्लाह ना करे अम्मी जान कि आलिया दर बदर हो, ये घर भी तो इसी का है ना। शादी के बाद शोहर का ही घर औरत का घर होता है सायरा बीबी। शानो भी, खुदा के लिए खामोश हो जाइए, आपकी बातों से बहुत दिल को तकलीफ हो रही है। अल्लाह ने हमें तो औलाद दी नहीं, सारी जिंदगी हमने आलिया बीबी और हसन मियां को औलाद का प्यार दिया। आज बच्ची का दुख देख के हमारा दिल छलनी हो गया, अल्फाज खुद ब खुद हमारी जबान से निकल रहे। शानो भी, खुदा के लिए कहने दो सायरा, दिल हल्का कर लेने दो, इन्होंने कम प्यार नहीं किया हमारे बच्चों से, बोल लेने दो इन्हें। हिम्मत चाचा, क्या करें हम, आखिर क्या करें हम, आप ही हमें कुछ बताएं। खुद को कंट्रोल कीजिए, कम से कम ये सब कुछ न कीजिए उनके सामने जो अभी किया है। हौसला दीजिए उन्हें, हिम्मत बंधाइए उनकी। हम मानते हैं कि बहुत मुश्किल वक्त है, एक भाई होने के नाते आपके एहसासात, आपके जज्बात अपनी जगह, अगर एक बेटे होने के नाते आपके कुछ फराइज हैं, उन्हें पूरा कीजिए, ना सिर्फ अपने बाबा बल्कि अम्मा और सबसे बढ़कर आलिया बेटा और सुंदस बेटी का दुख कम करना है, मुझे संभालना है। आपका ये रवैया और ये अंदाज उनका दुख कम नहीं करेगा बल्कि और बढ़ा देगा ऐसा मिया। और जफर अली से इंतकाम से ज्यादा जरूरी इस वक्त आलिया बेटा और उसकी मासूम बच्ची को गले लगाना है सन्निया। हिम्मत कीजिए, अल्लाह आपका और हम सबका साथ देगा। ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था अमर चाचा, कैसे झेलेगी इतनी बड़ी कयामत हमारी है। सन्निया, अल्लाह जब आजमाइश में डालता है तो निकलने और सुलझाने का रास्ता भी वही बताता है और वही राहें खोलता है। बहुत ही बड़े नवाब की बच्ची थी भाई, अपना सारा सामान सारे कपड़े छोड़ गई, कुछ नहीं लेके गई, यहां तक के बच्ची की किताबें उसके खिलौने भी छोड़ गई। बड़ा ठस्सा है भाई, बड़ा ठस्सा है। लेकिन कल आप स्कूल नहीं जाएंगे,
मामा जी मेरी जान, तलाक क्या होती है? जीवन ये सफर रोती रहोगी या खाने दाने का इंतजाम भी करेंगी? अरे मालिक बाबा, दोपहर का खाना धरा हुआ, किसी के अलग सने वाला भी धरा, सबका जी बुरा हुआ है। अरे बस करो शानवी, नौसत मत फैलाओ, कितनी ही बड़ी क़यामत गुजर जाए पेट में तो रोटी डालनी ही होती है ना, कोई खाना नहीं खा रहा है, गम ने भूख और प्यास का एहसास मिटा दिया है हमें, हमेशा भी सबको जबरदस्ती खाना खिलाना होगा। हम नहीं खिला सकते, हम तो उनके सामने नहीं जा सकते, हमसे नहीं होगा, किसी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि नमक हराम हो तुम। आपने खाना खाना है ना, आप खा ले, बहाने ना बनाए। खाएंगे जब ही तो हारने वाला जहर बनकर अलग से उतरेगा। अरे जिन मेहरबानों के घर में जिंदगियां गुजार दिया आपने, उनका दुख क्या हमारा दिल पर नहीं करेगा? हम तो मुलाजिम हैं और नमक का हक तो ऐसे वक्तों में ही अदा कर सकते हैं, कुछ तो साथ दे सकते। तुम खाना बनाओ, हम तुम सबको खाना खिलाएंगे, सबको खाना खिलाएगी। घर उजड़ गया मेरी बच्ची का मालिक बाबा, घर उजड़ गया। पता है, मैं जब भी आती थी नाना अबू और मामू मुझे गोद में लेके खूब प्यार करते थे, आज तो नहीं किया। नानी क्या हो गया, सब रो क्यों रहे हैं? ये सब फूफो की वजह से हो रहा है। मम्मा की वजह से क्यों? जो रोते हुए आ गई, पापा ने मम्मा से लड़ाई की थी इसलिए। अरसल, आज डैडी ने मुझे प्लेलैंड ले जाना था, आइसक्रीम खिलानी थी, और अब नहीं ले जा रहे, सिर्फ फूफो की और तुम्हारी वजह से। तुम फूफो से कह कि तुम्हें घर ले जाएं ताकि डैडी मुझे आइसक्रीम खिलाने ले जाएं। नहीं अरसल नहीं, पापा मम्मा को मारेंगे। जब नाना अबू और मामू पापा को फोन करके बुलाएंगे और जब उन्हें डांटेंगे तब हम लोग जाएंगे। पता नहीं कब बुलाएंगे और कब जाओगी, अंधेरा हो जाएगा फिर, क्या मुसीबत है। अल्लाह मियां, पापा को अच्छा बना दे, बहुत अच्छा, नाना अबू की तरह, मामू की तरह। वो मम्मा से भी प्यार करे, वो मम्मा से नहीं लड़े और मुझसे भी प्यार करे। जब मम्मा रोती है तो मुझे बहुत रोना आता है। अल्लाह मियां प्लीज पापा को अच्छा बना दें, प्लीज अल्लाह मियां। मम्मा, हम घर कब जाएंगे? जल्दी चले जाएंगे बेटा। आप मेरा यूनिफॉर्म और स्कूल बैग भी नहीं लेकर आए, मैं कल स्कूल कैसे जाऊंगी? कल स्कूल नहीं जाना। क्यों? आप तो मेरी कभी छुट्टी नहीं कराती थी। लेकिन कल आप स्कूल नहीं जाएंगे। मम्मा जी मेरी जान, तलाक क्या होती है? नई दुल्हन के लिए ये कमरा नहीं सजाऊंगा मैं, दूसरा कमरा सजाऊंगा। आपने कोई बुराई कोई याद नहीं है जो उस शख्स ने आपके साथ ऐसा किया। आप जानती है ना तलाक पर अल्लाह ताला कितना नाराज होता है।
अरे हक महर में ये घर मलाइका के नाम है? देखो जफर अली, ये बात मजाक नहीं है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो आलिया तुम कहाँ जा रही हो? उन्हें चोट लगी है, अकेले हैं, वो क्या करेंगे?